press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय वीडियो। मैं हूं प्रदीप दुबे। फ्रेंड, आज हम आपको बताएंगे कुछ जानकारी पैसों के बारे में। आप अपने पैसे को कैसे सुरक्षित सेव रख सकते हैं, आपका पैसा डूबेगा भी नहीं और आपका पैसा बढ़ता भी रहेगा और ज़रूरत पड़ने पर आप अपने पैसे को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप हमारे संग बने रहिए, कुछ जानकारी मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। फ्रेंड, सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं फ्रेंड कि अगर आज के समय में किसी के पास 2 से 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए अगर हो जाते हैं तो अक्सर उसके मन में एक ख्याल आते हैं कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं इस पैसे से अगर बिजनेस करूंगा तो बिजनेस करने के लिए मेरा समय, टाइम, हर चीज़ बर्बाद होगा। अगर मैं इसी पैसे को किसी ऐसे स्थान पर लगा दूँ कि मुझे मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा और मेरा पैसा डबल हो जाएगा और उससे मैं आसानी से फ़ायदे कमा लूँगा, बेनिफिट भी कमा लूँगा, मेरा पैसा भी सेव रहेगा। कुछ लोग ये सोचते हैं और फ्रेंड, कुछ लोग की सोच ये होती है कि मैं अपने पैसे को ऐसे जगह पे लगा दूँ कि मेरा पैसा जो है सेव रहे, ज़रूरत पड़ने पर मेरे पास वो पैसा मुझे मिल सके। तो फ्रेंड, आज मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। फ्रेंड, अगर आप 1 लाख रुपये या 10 रुपये या 1000 रुपये या 500 रुपये या 100 रुपये आप कमाने के लिए उस पैसे को कितना परिश्रम करना पड़ता है, वो पैसा कमाते समय आप कितना परिश्रम करते हैं, जब वही पैसा आप किसी ऐसे स्थान पे इन्वेस्ट कर देते हैं, लगा देते हैं और जब वो पैसा आपको टाइम पे नहीं मिलता है तो आपको इसी बात का दुख होता है कि मैंने अगर उस समय एक गलती नहीं की होती तो आज मेरे पास जो मेरा मूलधन था वो पैसा मेरे पास होता और आप उसी पैसे से अपना आगे वाला काम कर सकते। पर फ्रेंड, कुछ लोग एक गलती कर देते हैं कि अपने पैसे को सही जगह इस्तेमाल न करके ऐसे जगह इस्तेमाल कर देते हैं कि वो पैसों के लिए उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम, दिक्कत, बहुत सारी प्रॉब्लम जो है उनको झेलना पड़ता है। तो फ्रेंड, आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा फ्रेंड कि आप अपने पैसे को सही जगह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड, मान लो अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, मान लो अगर आपके पास 2 से 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख जितने पैसे हैं, आप अपने पैसे को अधिकतर किसी ऐसे स्थान पे ना लगाएं फ्रेंड कि वो पैसा आपका डबल ट्रिपल होने का चांस रहे। अपने दिमाग से आप ये सोचिए कि अगर आप 1 लाख रुपए कमाने के लिए या 1000 रुपया कमाने के लिए या 500 रुपये कमाने के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं तब जाके वो पैसा आपका बनता है और वही पैसा आप किसी ऐसे जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं कि वो पैसा आपको मिलने के लिए इतनी सारी प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ती है, समय पे आपका लगाया हुआ पैसा भी आपको नहीं मिलता है तो आपको यही दुख होता है कि काश मैंने अपने मूलधन पैसे को अगर ऐसे जगह इस्तेमाल किया होता तो आज वो मेरा पैसा मिल जाता। तो फ्रेंड, मैं आपको यही एक ट्रिक बताऊंगा फ्रेंड कि अगर आपके पास पैसा है तो अपने पैसे को फ्रेंड आप बैंक में इन्वेस्ट कीजिए, बैंक में जमा कीजिए। अगर आप अपने पैसे को बैंक में जमा करेंगे फ्रेंड, मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि ज़रूरत पड़ने पर आप अपने पैसे को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके पैसे पे कोई रोक भी नहीं लगा सकता है। जब चाहे अपने पैसे को आप निकाल सकते हैं और अपने पैसे को आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। अगर फ्रेंड आप अपने पैसे को ऐसे जगह ना इस्तेमाल करें जो कि ज़रूरत पड़ने पर आप खुद का पैसा नहीं यूज कर पा रहे हैं, उसी पैसे के लिए आपको तरह तरह की प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। और फ्रेंड, बताना चाहते हैं अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके अपने पैसे को किसी बिजनेस, किसी ऐसे स्थान पे लगाएं कि थोड़ी सी मेहनत करके आप अपने पैसे को आसानी से बढ़ा सकें और आपकी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो सके, आपका पैसा भी बढ़ेगा, आपका पैसा सेफ भी रहेगा, कभी आप लाइफ में दिक्कत सामना नहीं कर पाएंगे। मैं आपको ये चीज़ क्लियर बता रहा हूँ फ्रेंड। फ्रेंड, आपको बताना चाहते हैं, अभी हाल ही में बता रहे हैं कि मेरे एक फ्रेंड हैं जो कि मुझसे बताएं कि सर, मैंने
अपने पैसे को ऐसे स्थान पे इन्वेस्ट कर दिया जो कि मेरी बेटी की शादी थी, और मुझसे बताया गया कि आप अपने पैसे को हमारे पास जमा कर दीजिए, मैं आपके पैसे को बढ़ा दूंगा, आपके पैसे को मैं डबल करके दूंगा, आप अपनी बेटी को शादी कर पाएंगे आसानी से, अपने पैसे से आपका पैसा बचा भी रहेगा, और समय पड़ने पर उनको पैसा नहीं मिला और उनकी बेटी की शादी टूट गई और वो इतने सारे प्रॉब्लम झेल रहे हैं। उनको शादी करने के लिए अपना ज़मीन को बेचना पड़ा तब जाके वो अपनी बेटी की शादी कर पाए। तो फ्रेंड, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ इस वीडियो में कि कभी भी लाइफ में अपने पैसे को सोच समझ के हमेशा इस्तेमाल कीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि अगर आप कोई भी काम सोच समझ के करेंगे तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ लाइफ में कभी आपको ठोकर नहीं लगेगा। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ फ्रेंड, आज के समय में बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरा पैसा इतना गया फिर से मैं परिश्रम करके अपना पैसा पा लूँगा। कभी कोई ये नहीं सोचता है कि मेरा जो पैसा चला गया वो पैसों के लिए मैंने कितनी सारी परिश्रम किए थे। फ्रेंड, एक आदमी चाहे बैंक में जॉब करता हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब करता हो, चाहे वो मजदूरी करता हो, इंसान चाहे कोई भी काम करता हो, हर काम करने के लिए फ्रेंड मेहनत लगता है। आप कोई भी काम करते हैं ना, हर काम के लिए आपको मेहनत करने के बाद ही उसका परिश्रम आपको मिलता है फ्रेंड। तो यही चीज़ें हैं फ्रेंड कि कभी भी लाइफ में एक गलती मत कीजिए। मैं आज आपको यही मोटिवेट कर रहा हूँ फ्रेंड कि हमेशा अपने दिमाग को ऐसे जगह लगाइए जहाँ पे आपको कुछ फ़ायदा मिल सके। बस फ्रेंड यही कहना था। मैं आपको और वीडियो दूंगा इसी टॉपिक पे, हमारे संग बने रहिएगा, हमारे वीडियो को फ्रेंड लाइक कीजिएगा, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय।